टोटल आगे फुल्ली है, इसमें काम चल रहा है। जैसे तैयार हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। फ्रेम रह गया, बैक साइड का रह गया, आगे से पीछे तक खुलवा दी है। आ गई हमारी डिस्क ब्रेक और तो भाई चेक कर रहे हैं अभी। तो आज इस बाइक को गाइस हम बनाने वाले हैं पूरी 220F, एक लेजेंडरी बाइक में बदलने वाले हैं 220F में। जैसे कि उस बाइक का भाई नाम है, हकीकत में 220 लेजेंडरी है। ये मैंने ओबियसली अजमा लिया गाइस बहुत चीज़ों में। तो मैंने बहुत टाइम ये बाइक चलाई और बाइक से बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा टूरिंग किया, बाइक ने कभी धोखा नहीं दिया। इनफैक्ट इसी बाइक से मैं अपनी राइडिंग का करियर मैंने शुरू करा था, सीखा भी था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी बाइक को आगे तक साथ अपने रखूँ, तो इसे बस थोड़ा सा अपग्रेड करा दूँ। बस तो बाइक की कंडीशन गाइस अभी भी कुछ कम नहीं है, बिल्कुल नई की तरह ही है। बस ये जो सीटें वीटें हैं थोड़ा ये सब है, वो सब मैं आज कम्प्लीटली चेंज करा दूंगा। पीछे डिस्क ब्रेक इंस्टॉल करा दूंगा, आगे मैं इसका फ्रंट का 220F वाला इंस्टॉल करा दूंगा, सीटें नहीं लगवा दूंगा, पूरी पेंटिंग भी कराऊंगा। तो गाइस वीडियोज़ अगर एक ही में सारा काम कराऊंगा तो लंबी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे पार्ट में। इससे पहले वाला पार्ट अगर आपने देख लिया होगा वीडियो का, तो उसमें मैंने इंजन का जितना भी छोटा मोटा सारा काम बढ़िया करा दिया, एकदम फर्स्ट क्लास हो गया भाई। अब बात रह गई बॉडी की, इस वीडियो में हम कराएंगे बॉडी का काम, और इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करा देंगे कंप्लीट पेंट बॉडी और इंजन के साथ। तो गाइस पूरी सीरीज़ देख लेना, और उसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसके कंप्लीट रेट का बता दूंगा, किस पार्ट में कितना रेट लगा, कितना टाइम लगा, कहाँ कहाँ से लिया, कब करवाया, एवरीथिंग। सो डोंट वरी अबाउट रेट्स वगैरह एंड कस्टमाइजेशन, सब बता दूंगा। बस गाइस चैनल को फॉलो कर लो और वीडियोस को लाइक कर देना यार, अगर अच्छी लग रही है तो। कोई ज़बरदस्ती वाला मैं काम करता नहीं। तो गाइस आज वैसे मौसम अच्छा हो गया, तो संडे वाला दिन है, बहुत टाइम के बाद आज टाइम मिला है, क्योंकि यार काम इतना तगड़ा चल रहा है, शेड्यूल इतना बिजी है, सुबह 5 बजे उठना पड़ता है और रात के 11 बज जाते सोते सोते, तो टाइम नहीं मिल रहा था वीडियोज़ वगैरह का। तो आज कैसे भी टाइम निकाल के ये काम करवाने हम आ गए हैं। और यहाँ पर ये खड़े हमारे संदीप भाई, ये हमें हर जगह पकड़ लेते हैं, ये अब हमें कहीं भी हम जाते हैं तो ये जरूर साथ चलते हैं, हमारे संदीप भाई। लेकिन भाई बंदे हैं, इन्हें तो बहुत आगे तक साथ रखना, हर जगह किसी घिसेंगे इन्हें भी अपने साथ साथ। तो फिलहाल ये भी चल रहे हैं हमारे साथ और उस बाइक को लेकर चल रहे हैं हम लोग बनवाने। तो गाइस शुरू करते हैं राइड, वीडियो ज़्यादा ना लंबी करते, तो मिलते हैं आपको अब सीधा बाइक के ऊपर और मार्केट में। क्यों चले निकले भाई, चलो बाय। आप ऑलरेडी देख सकते हो मैंने बाइक पे स्टिकर वगैरह, टैंक वगैरह सब कुछ पहले ही हटा दिया है। रीज़न यही है कि यार करवानी तो थी मेरे को मॉडिफाइड, बट क्या करें कि टाइमिंग का थोड़ा इशू चल रहा था, टाइमिंग मुझे मैच नहीं हो पा रही थी, जिसके वजह से मैं नहीं जा पा रहा, तो टाइमिंग का ही थोड़ा इशू चल रहा था। इस आज जैसे ही टाइम मिला मैं बाइक लेकर निकल गया मॉडिफाइड कर, उसी बंदे पे चल रहा संदीप, उसी पे चल रहे हैं जिससे पहले बात करके गए थे। तो उस बंदे को कहा वहीं पर रोकते बाइक जहाँ पे पहले रोकी थी। चलो पहले भाई 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 संदीप उस कहाँ है वो? नहीं यार इस दुकान पे थे, इस वाली पे थे। अरे इतनी हाइट की है लड़के से, अलॉय में ही आती है डिस्क ब्रेक, अलग से थोड़ी ना आती है डिस्क ब्रेक। नहीं इन्होंने ABS थोड़ी ना डलेगी भाई, कंप्लीट बनवानी है। उनसे बात करके गए थे कंप्लीट, उन्होंने हमें फाइनल वहाँ पे खर्चा बता दिया था। लगा दें भैया से मिलवाते हैं आपको जो हमारा काम करे। भैया आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम है शाहिद। ठीक है, तो भैया आप लगे हुए हैं, भैया स्पेशल हेड का काम भी आप कर रहे हो बाइक का?
खड़ का काम भैया कर रहे हो, पीछे का काम दूसरे भैया कर रहे हैं हमारे। तो बाइक कंप्लीट खोल दी है भैया ने, आगे से पीछे से भी पूरी बढ़िया बाइक। और ये देखो भाई पीछे भैया लगे हुए हमारे सारा काम कर रहे हैं। भैया आपका नाम? यूसुफ। भैया लगे हुए हैं भाई से पलवे का, डिस्प्ले का, कोई सा भी काम कराना हो भाई के पास आप आ सकते हो। सारा काम जेन्युइन मिलता है गारंटी के साथ, आपको पूरा सेटिस्फेक्शन देंगे। भैया भैया से हमने पहले भी काम कराया, भैया का काम एक नंबर होता है, तो कोई शक वाली बात नहीं है भैया के काम में। आप इसमें डिस्क लगाएंगे, इसमें डिस्क लगवा लो कह रहा कस्टमर, इसमें डिस्क लगाएंगे, लाइट लगाएंगे, ठीक है। वो तो बात हमारी डील हो गई है भैया से, बढ़िया डील लेते भैया के पास। खुद आओ बात करो, एक बार बात करके देखो आपको अच्छा मिलेगा। जी जी भैया टोटल अगर खुली है, इसमें काम चल रहा है, जब तैयार हो जाएगी तो ऐसे हो जाएगी। कहने का मतलब है कि हाई स्पीड में वाइब्रेशन वगैरह तो नहीं देगा, मतलब वाइब्रेशन वगैरह नहीं देगा। अगर गाड़ी गिरती है कुछ, अब वो तो देखो फिजिकली बात है, उसमें तो किसी का कंपनी में ही हो जाता है। हाँ मगर अपने आपसे कोई वाइब्रेशन कोई दिक्कत नहीं देगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारा हम आपको यहाँ से जाम करके देंगे भाई, ये चीज भाई ये भाई करके देंगे। तो भाई बाद में कोई शिकायत आती है तो वो देख लेता है, बाद में भाई कर देंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो भाई बाद में भी कर दोगे ना, आपके पास लेके आएंगे। ठीक है देख लो भाई। तो भैया देख सकते हो हमने इसके हमारा काम स्टार्ट हो गया भाई से, तीन चार भाई हमारे लगे हुए। अगर ये काम मैं बाहर कराता कहीं भी तो मेरा पूरा दिन खत्म हो जाता, क्योंकि एक मैकेनिक चलता है यहाँ पे, तीन चार भाई एक साथ ही लग गए हमारी बाइक। एक कह रहे हैं दो तीन घंटे में काम निपटा देंगे, जिससे हिसाब से काम चल रहा है हो सकता है निपटा देंगे। तो जस्ट भाई नया बंदा कोई भी आता काम कराने, उसे एक चीज़ का डर हमेशा रहता है कि मेरे को इस मार्केट में कुछ पता नहीं है, काम मेरा बढ़िया होगा या नहीं होगा, मेरे साथ रोड तो नहीं होएगा कुछ ऐसा। हम भी नए विजिट हुए थे, तो अगर कोई भी ट्रस्टेड बंदे हैं, कोई ऐसा फेक काम नहीं होता, सारे जेन्युइन पार्ट डाला जाता है यहाँ पे। ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं होती कि आपके साथ कुछ हो जाएगा, गलत सामान मिल जाएगा, प्रॉब्लम आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता भैया। यहीं पर अगर गाड़ी की कंप्लेंट आए तो आप विजिट कर सकते हो। और अच्छी रेट में भैया काम कर रहे थे, देखो बाइक वैसे मैं भैया की दुकान का मार्केट में आपको कंप्लीट कार्ड वगैरह एड्रेस वगैरह सब बता के जाऊँगा। मैं कहाँ पे आऊँ कि भैया से मैंने डील करी थी, आप एक बार विजिट करना, कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करानी हो तो भैया अच्छी डील देंगे, बिल्कुल एक नंबर देंगे। और कोई भी आगे तक साथ देंगे कंप्लेंट आई तो, ऐसा कुछ नहीं है कि फ्रॉड वगैरह हो गया आपके साथ, कोई घबराने वाली बात नहीं होती यहाँ पे, एकदम बढ़िया काम होता है। एक बार आगे ट्रस्ट करो, बाकी हम इसे बनवा के चलाएंगे रोड पर, देखेंगे हमें भी फील देंगे कि कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा है ऐसे काम कराने का, बाकी फिर आगे बताएंगे उस काम। तो भैया आप सबकी अलग अलग दुकानें हैं या एक ही? सबकी अलग अलग। अच्छा सब अलग अलग भी है क्या? अच्छा सब भैया अलग अलग डिपार्टमेंट से, मतलब अलग अलग दुकानें हैं, लेकिन काम सारा मिलकर करते हैं ये और बढ़िया काम करते हैं। क्योंकि एक ही दुकान पे कोई भी स्पेयर पार्ट नहीं मिलता कि एक ही दुकान से आप करा लो, एक चीज़ कहीं मिलेगी तो एक चीज़ कहीं मिलेगी। मगर भैया एक बार, हाँ जी, मगर भैया डील करवा देते हैं सबसे कम्प्लीट एक ही बार में। गाइस बस 5 मिनट हो गया, भैया ने फुटरेस्ट चेंज भी कर दिया, डिस्क ब्रेक वाला इंस्टॉल्ड भी कर दिया इतनी फटाफट। ये हमारा पहले वाला फुटरेस्ट नीचे आ गया और दूसरा वाला देखो कितनी जल्दी इंस्टॉल्ड भी हो गया, और पीछे से अभी बाइक खुली हुई है। अच्छा भैया टायर जो था हमारा, टायर तो वही वाला चढ़ जाएगा, टायर वही चढ़ जाएगा गाइस, बस डिस्क ब्रेक वाला व्हील चेंज हो जाएगा, व्हील में डिस्क ब्रेक आ जाएगी, टायर वगैरह बाकी सब वही रहेगा हमारा। और इसका ये भी चेंज होगा भैया, झूला वगैरह ये सब पीछे का कहने का मतलब सारे इंस्ट्रूमेंट चेंज हो जाता है, बस चैन सेट आपका और टायर वो रह जाता है, बाकी सब वही। इसमें लाइट जो डली हुई है मीटर वगैरह ये सब तो यही डल जाएगा ना, जो हेडलाइट बल्ब वगैरह एलईडी का नए वाले में तो ये डल जाएगा ना, ये एलईडी है मेरा ये नहीं डलेगा। चलो ये वाला डलेगा,
एमटी 15 की है, बस फ्रेम फ्रेम रह गया, बैक साइड का रह गया, आगे से पीछे तक खुलवा दी है, पूरा एमटी 15 लग रही है। एक दोस्त ना देखे ना तो उनका कहेगा एमटी 15 ही है, पूरी नेकेड हो गई है, पूरी कुछ नहीं बचा बाइक में। गाइस बाइक देखो खुलने के बाद पूरी ऐसी लग रही है, कोई सुपर बाइक है, इसके शोकर्स वगैरह देख के आगे से देख के ऐसे हैवी हैवी सी लुक आ रही है, तो अलग ही कुछ लग रही थी ये बाइक। देखो गाइस पूरी खुलने के बाद भाई आगे हेड पे लगी हुई है और पीछे लीवर डल चुका है, डिस्क ब्रेक वाला। ये देखो गाइस ये डिस्क ब्रेक वाला है, पूरी उसकी वायरिंग यहाँ तक आ रही है। बाकी अभी सामान लेने गए हैं भैया, उसमें टायर वगैरह चेंज कराने जैसे वो आते हैं तो वो भी इंस्टॉल कर दिया जाएगा। कैसी लग रही है भाई संदीप, कैसी लग रही है बाइक? अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ी मतलब बाइक को देखते हैं तो ऐसा फील आ रहा है, पता नहीं क्या है, क्या बवाल है, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। सुपर बाइक लग रही है इस एरिया से तो लग रही है, शो करो और फ्रंट व्हील देख कर पंद्रह भाई। देखो टायर चेंज होकर आ गया है हमारा, इसमें अलॉय चेंज हो गया, ये आ गई है हमारी डिस्क ब्रेक, और जो टायर हमारा था ये वही वाला टायर है भैया कह रहे हैं वही रखा है टायर, टायर हमने चेंज नहीं कराया था क्योंकि टायर ऑब्वियसली पहले ही नहीं है। ये वाला व्हील किस लिए खोला आपने? ये वाला मतलब ये किस लिए खोला है व्हील? अच्छा अच्छा भैया, भैया भी हमारी बात पर हंस रहे थे अभी कि हमने थोड़ी सी बात के विषय भी काम रुकवा दिया था। तो भाई ये फ्रेम होता है, इस फ्रेम पे बेसिकली 220 का वाइजर रुकता है, जो फ्रेम चढ़ाया जा रहा है अभी आप देख रहे हो। ये फ्रेम ऐसे रुकेगा गाइस, ये देखो यहाँ के ये नक्को पे रुका गया है, अरे यहाँ से बांध के रुका गया, इसे आप बैडिंग भी करा सकते हो, यहाँ से पूरा बैडिंग से फिक्स हो जाएगा, नहीं तो स्ट्रोक वाली में यहाँ पे एंगल फिक्स आता है पहले सब बाय कंपनी से। तो भाई चेक कर रहे हैं अभी पूरा फिटिंग सही आई या नहीं आई है, कहीं सुपर नीचे ना हो, ये एकदम एक्चुअल फिटिंग आनी चाहिए इसकी, तभी सही से बैठेगा पूरा फ्रेम। भाई देखो आंधी आ गई है, मौसम कितना बढ़िया हो गया, और यहाँ पे बाइक का काम भी ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा हो गया है कंप्लीट। तो भाई ये आ गया है हमारी पल्सर 220F के पास, से मेरा फ्रंट व्हील खुला हुआ है, पीछे की डिस्क ब्रेक इंस्टॉल हो गई है ये देखो गाइस, और फ्रेम भी ऊपर लग गया, ये आ गया पूरा फ्रेम, ये आ गया इसके ऊपर का दिखा देता हूँ मैं आपको, सारा नया सामान भी आ गया वाइजर, ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर इंस्टॉल होता है, तो ये आप देख सकते हो गाइस पूरा वाइजर यहाँ पे आ गया हमारा, और इसके डब्बे में नट्स वगैरह हैं इसके स्पेयर, और ये इसकी हेडलाइट ये गाइस रहती है इसकी हेडलाइट। तो बस गाइस कहने का मतलब ये, बस ये सामान इंस्टॉल करना है इस पर, और बाकी सामान के लिए टैंक वैंक यही सब लग जाएगा, सीट सारा मैं बैग में लेकर आया हूँ सामान नया, तो इंस्टॉल करा के फटाफट यहाँ से निकलते हैं गाइस, कंप्लीट कराते हैं काम, वैसे होने वाला ज़्यादा काम बचा है नहीं, बस ये कुछ करना है और तो करते हैं। सही हुआ है पावर बैंक लिया था मैं, सही हुआ है ना। क्वालिटी देखो गाइस बहुत अच्छी प्यारी शाइन मार रहा है। तो ये रही गाइस हमारी हेडलाइट, इसे ऐसे ले चले आपने भाई? गाइस ओरिजिनल हेडलाइट है ये, आप देख सकते हो बजाज का पूरा ब्रांडिंग लोगो दिया गया है, तो पूरी ओरिजिनल हेडलाइट ये डल रही है मेरी। इसकी अगर मैं मार्केट वैल्यू बात करूँ तो बहुत महंगी आती है ये, अगर ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो आप, मगर सही रेट मुझे यहाँ मिलेगी।
सबसे महंगी आती है बाइक, उसका क्रेज है इस बाइक का, बहुत ज़्यादा क्रेज है बंदों में। नहीं ये बात देखो भाई, 220 का बोलता है गाइस, ये खुले पड़े मेरी बाइक के सारे पार्ट्स। लास्ट बार देख लो इस वाइजर को, उसके बाद ये वाइजर अपना नहीं दिख पाएगा। लास्ट ईयर मैं देखी टैंक तो वापस लग जाएगा, ये हेलमेट्स रखे और ये टायर भी, फ्रंट व्हील भी, डिस्प्ले ये भी लग जाएगा। मीटर ऑलरेडी मेरे इस वाले वाइजर से हटा के इसमें इंस्टॉल्ड कर दिया गया है 220 के उसमें, और वाइजर भी वहाँ पर रेडी हो गया है पूरा, सब इंडिकेटर वगैरह सब उसमें इंस्टॉल्ड हो गई है। फ्रेम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो गया और हेडलाइट भी इसकी गाइस इंस्टॉल्ड हो गई है, वर्किंग भी कर रही है, सब कुछ चेक हो गया। फाइनल रह गया गाइस इसे सारा फिट करना, और अब आपको सीधा दिखाते हैं गाइस फिट होने के बाद बाइक कैसी दिख रही है। तो ये देखो गाइस लग चुका है पल्सर 220 का वाइजर, देखो लुक कैसी आ रही है गाइस, अलग ही फील आ रहा है गाइस, नेक्स्ट लेवल फील आ रहा है। आप देख के इमेजिन कर सकते हो कितनी अच्छी लग रही है बाइक। देखो भाई सीट वेट का भी काम होना बाकी है, डेंटिंग पेंटिंग होना बाकी है। बाकी ये देखो गाइज एक और सरप्राइज, ये लग गई हमारी डिस्क ब्रेक, जिसके पीछे हम इतने पागल हो रहे थे गाइज इतने टाइम से, और हैवी लुक आ रही है टायर की गाइज, अब तो मज़ा आ गया कसम से। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है गाइज, ये भी लगवा दिया हमने जिस काम के लिए गए थे, और साइड से लुक देखो बाइक की गाइज अब ऐसी। और पीछे खड़ी है वो पुरानी वाली हमारी पल्सर 220F संदीप भाई की, जो जिसको देख कर ही हमने इमेजिन करके यही कन्वर्ट कराई है, मगर लुक देखो गाइज बिल्कुल ओसम लुक है, सेम लग रही है, किसी एंगल से डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, एक पैसे का काम हुआ है गाइज, काम में कोई कमी नहीं आई है। देखो गाइज फ्रंट से भी लुक देख लो आप एक बार इस बाइक की, अलग है गाइज, अलग लेवल है गाइज, कोई कह नहीं सकता देख के, हैं कोई कह नहीं सकता देख के 180 थी 220 का, अगर लोगों ने लगवाया ना, लोगों तो हटाई दिया हाँ, तो भाई 220 है पूरी की, हाँ पावर भी बढ़िया है भाई, सबसे मेन बात तो ये है। और लोगों भी हमने हटाई दिया गाइज इस पे से, लोगों भी अभी दोबारा 180F का इंस्टॉल करेंगे, वैसे हम 220F का नहीं इंस्टॉल करेंगे, 180F का ही करेंगे, बट लुक्स देखो गाइस दोनों बाइक की, ये देखो ये खड़ी और ये देखो वो खड़ी गाइस, कुछ भी डिफरेंस नहीं है कुछ भी, बहुत प्यारा काम हुआ है। मेन बात देखो हमने, देखो बबल वाइजर भी सेम वही लगवाया, सेम वही लगवाया, और जो जो थोड़ा बहुत काम रह रहा है, काम तो देखो पेंट का रह रहा है, हां काम तो अभी 2-4 दिन और चलेगा इसमें भी, हमने ये नहीं कहा कि डन हो गई, बस ये जो है इंजन का काम बॉडी लाइन का काम हो गया, अब इसकी रंग रोगन डेंटिंग पेंटिंग और ग्राफिक्स का काम करवाना है, वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे हम। क्यों संदीप भाई, क्योंकि आज हमें कितना टाइम हो गया सुबह से, अब आया थे भाई 11 बजे, दिन छुप गया भाई, टाइम दिखाया था 11 से भी ऊपर गए थे, और अब बज रहे हैं, देखो टाइम दिखा देता हूँ भाई क्या टाइम हो गया है, ये देख लो टाइम जो हो रहा है 7 बज गए, पूरे 7 बज गए गाइस, बहुत बहुत लेट हो चुके हैं हम, पर कोई नहीं तसल्ली से काम करवाया हमने, कोई जल्दबाजी नहीं करी इस काम में गाइज, लुक देखो हर तरीके से गाइज, मज़ा आ गया गाइज काम देखो कैसी हो गई है, ये देखो पसीने के निशान है गाइज, आज ही शर्ट पहनी थी, पूरा दिन हो गया ऑलमोस्ट 6 घंटे से भी ज़्यादा हो गया, शाम के 7 बज गए, अंधेरा होने वाला है, हालत देखो पैसे भी लग गए प्लस पसीना भी लग गया, तब जाके ये मेरी बाइक ऐसी बन पाई है गाइज, लेकिन दिल को तसल्ली ऐसे जितनी बार भी देख रहा हूँ कि खुशी है कि मज़ा आ गया काम में। और गाइज कोई भी इंक्वायरी हो आपको इसको मॉडिफिकेशन के लेके, या कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो मन में, तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं गाइज फिर किसी अगले व्लॉग में, बहुत थक चुके हैं गाइज, जाना है बहुत टाइम हो रहा है, तो बाय गाइज, ज़्यादा बात नहीं, और सब्सक्राइब करके जाना गाइज, और वीडियोज़ आएंगी जिसमें डेंटिंग पेंटिंग सब करानी है, ठीक है, मिलते हैं भाइयों, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ ब्लॉग्स इंडिया, बाय गाइज।